हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, HTML और JavaScript सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। ब्रेंडन ईच ने जो है JavaScript लैंग्वेज बनाई थी, अब इसको हम इम्बेड करेंगे HTML के साथ और एक प्रॉम्प्ट बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी कोडिंग कैसे होगी। बहुत आसान है, आप नोटपैड पर भी ये कोडिंग कर सकते हैं। चलिए नोटपैड ही ओपन कर लेते हैं, इसी पर कोडिंग करके देखेंगे। ठीक है, तो यहां ये नोटपैड ओपन किया है, यहां से हम न्यू फाइल ले लेते हैं, यहां फाइल पे जाके न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और इसी पर हमें कोडिंग करनी है। ठीक है, तो अब हम HTML से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया HTML। ठीक है, ये हो गया HTML। अब देखिएगा, जब भी आप JavaScript यूज करेंगे तो उसमें आपको क्या करना होता है, JavaScript यूज करते समय एक चीज का ध्यान देना होता है। यहां पर मैं एंटर कर देता हूं और यहां पर मैं सीधा सीधा क्या लिखता हूं, हेड लिखता हूं, टाइटल छोड़ देता हूं, यहां पर हेड ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, हेड लिख लिया। ठीक है, और हेड लिखने के बाद अब यहां पर नीचे दे देते हैं टाइटल, TITLE, आप ऊपर भी टाइटल दे सकते हैं। यहां पर मैं दे देता हूं प्रॉम्प्ट बॉक्स, ये हो गया प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट बॉक्स और टाइटल को क्लोज कर देंगे, TITLE टाइटल यहां पे हो गया क्लोज। ठीक है, बिल्कुल HTML के जैसे ही है, लेकिन अब यहां पे हेड क्लोज नहीं होगा, यहां पे स्क्रिप्ट टैग ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, JavaScript यूज कर रहे हैं। तो यहां पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लेना है, ओपन करके एंटर करके नीचे आना है। एक हम फंक्शन बनाने वाले हैं शो प्रॉम्प्ट के नाम से, तो यहां पे ऐप फंक्शन बनाएंगे, तो लिखेंगे function, ये हो गया फंक्शन, और फंक्शन किस नाम से होगा, शो प्रॉम्प्ट, शो प्रॉम्प्ट, PROMPT, ये हो गया शो प्रॉम्प्ट नाम से फंक्शन। अब फंक्शन बनता है तो ब्रैकेट ओपन क्लोज तो करते ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, इस फंक्शन की डेफिनेशन We are going to write now, ठीक है? हम जा रहे हैं इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखने। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं let, L-E-T, let, ठीक है? और यहां पे यूजर इनपुट देगा, यूजर इनपुट दे देते हैं, यूजर इनपुट, अब इज इक्वल टू लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे PROMPT, यानी प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब क्या यूजर को दिखेगा स्क्रीन पे, स्क्रीन पे दिखेगा प्लीज एंटर, ENTER, एंटर योर नेम। ठीक है, ये यूजर को स्क्रीन पे दिखेगा भैया, अगर इंटर योर नेम आपको दिखेगा तो आप नेम एंटर करना ही चाहेंगे, जाहिर सी बात है आप नेम एंटर करेंगे। तो यहां पर ये डबल ट्रिट कॉमा में लिख लेना है। ठीक है, अब ये जब लिख लेंगे तो इस ब्रैकेट को, यानी स्मॉल ब्रैकेट को आपको कर देना है क्या, क्लोज। ठीक है, लेकिन इसमें मैं अपना नाम डाल देता हूं, क्या नाम डाल देता हूं, मैं अपना नाम डाल देता हूं सूरज, SURAJ, ये भी मैंने डाल दिया, यानी नेम भी यहां पर हमने दे दिया है SURAJ। ठीक है, अब नेम दे करके इस डबल कॉमा को क्लोज कर दीजिएगा और यहां पर टर्मिनेशन आएगा, टर्मिनेशन यानी सेमी कॉलन लगा लीजिएगा, लगा लिया। अब क्या करेंगे, यहां पर कंडीशन देंगे, कंडीशन कैसी होगी, किस तरीके की होगी उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि यहां पर इफ एल्स लगाएंगे हम, तो यहां पर लगाते हैं इफ। ठीक है, इफ लिखा हमने और यहां पे क्या देंगे, यूजर इनपुट लिया है ना हमने, तो यहां पे लिखेंगे यूजर इनपुट IN, ये हो गया यूजर इनपुट। ठीक है, यहां पे दे दिया इफ यूजर इनपुट, अब यहां पे क्या देंगे, नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू नल, यानी खाली न हो। ठीक है, नल का मतलब खाली होना, और यहां पे कर्ली ब्रेसेस फिर ओपन कर लेंगे, जब ओपन करेंगे तो यहां पर अलर्ट बनाएंगे, ALERT, अलर्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स के लिए ये हमें लिखना होता है। ठीक है ना, तो यहां पे लिख दिया हमने अलर्ट। ठीक है, अलर्ट लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां दे देंगे डबल डॉट कॉमा में हेलो, ये लिख दिया हेलो, और ये जो डबल डॉट कॉमा है उसको क्लोज करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और यहां दे देंगे यूजर इनपुट, ये दे दिया यूजर इनपुट, और यहां पे प्लस का निशान लगाया और फिर डबल डॉट कॉमा में एक्सक्लेमेशन दे दिया, एक्सक्लेमेशन दे दिया। ठीक है, और यहां पे दे देंगे वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने वेलकम टू माय चैनल, CHANNEL। ठीक है, ये दे दिया और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, डबल डॉट कॉमा को भी क्लोज कर दिया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से करना, और यहां टर्मिनेशन देना, टर्मिनेशन भी दे दिया। अब क्या करना है, इतना हो जाने के बाद अब हमको यहां पर थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग और करनी है। कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी, यहां पे हम लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट, अब गेट लिखना है आपको, गेट कैसे लिखना है वो ध्यान दीजिएगा, जो बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, सिंपली ऐसे ही गेट लिख दीजिएगा, लेकिन एलिमेंट का ई कैपिटल लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट, एलिमेंट। ठीक है,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ऑफ बाई, बाई का बी कैपिटल रहेगा और आईडी का आई कैपिटल रहेगा, बस इतना ही आपको लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। आई को स्मॉल भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप कैपिटल ही रखें, तो ये आई को स्मॉल ही हमने कर दिया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहां पर क्या करेंगे, डॉटेड कॉमा में दे देंगे यूजर आउटपुट, ठीक है, क्या दे देंगे यूजर आउटपुट, तो ये लिख दिया यूजर आउटपुट हो गया। ये देने के बाद क्या करना है, डॉटेड कॉमा को क्लोज करना है और क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज करना है और डॉट इनर आई डबल एन ई आर इनर, अब क्या देंगे इनर टेक्स्ट टी ई एक्स टी, ये दे दिया इज इक्वल टू, अब यहां पर डॉटेड कॉमा में हेलो, क्योंकि हेलो ऑटोमेटिक आएगा इसीलिए यहां पे हेलो मैंने लिख दिया है, और यहां पे प्लस करेंगे साथ में क्या आएगा यूजर इनपुट, जो यूजर इनपुट देगा वो भी आएगा इनपुट, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से आपको दे देना है, ठीक है। तो यहां पे यूजर इनपुट भी हमने दे दिया है, अब प्लस यहां पे कर दिया, अब प्लस करेंगे तो यहां पर अब इसको क्लोज भी करेंगे डॉटेड कॉमा जो ओपन किया था, और यहां पे एक्सक्लेमेशन लगा के लिख देंगे वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल सी एच ए डबल एन ई एल वेलकम टू माय चैनल, ये हमने दे दिया। अब इसको बंद कर देंगे डॉटेड कॉमा को, ये बंद कर दिया, बंद करने के बाद क्या करना है टर्मिनेशन दे देना है, टर्मिनेशन देके क्या करना है एंटर करना है और दोनों कर्ली ब्रेसेस जो ओपन हुए थे उन दोनों ही को क्लोज कर देना। देखिए एक यहां ओपन हुआ था एक यहां ओपन हुआ था तो दोनों ही को क्लोज करना होगा, तो दोनों ही हमने क्या किया है क्लोज कर दिया है। अब हमको यहां पर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना है एस सी आर आई पी टी, स्क्रिप्ट यहां पे क्लोज हुआ एंटर किया, अब हेड को यहां पे क्लोज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एचटीएमएल से बिल्कुल अलग है, ठीक है। हेड को क्लोज कर दिया, अब यहां पे बॉडी टैग को ओपन करेंगे, तो ये हो गया बॉडी टैग। अब बॉडी टैग को ओपन करने के बाद क्या करेंगे यहां पे एच वन लगाएंगे और यहां पे लिख देंगे वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया वेलकम टू माई चैनल सी एच ए डबल एन ई एल, ठीक है। तो ये हो गया वेलकम टू माई चैनल। अब यहां पर एच वन को क्लोज कर दीजिए, यानी हेडिंग वन को क्लोज कर दीजिए, और यहां पे हम बटन बना लेते हैं, तो ये लिखेंगे बटन, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे ऑन क्लिक, गैप देके लिखेंगे ऑन क्लिक, ये दे दिया, और जैसे ही ऑन क्लिक देंगे तो इज इक्वल टू डॉटेड कॉमा में लिखिएगा शो प्रॉम्प्ट पी आर ओ एम पी टी शो प्रॉम्प्ट, ये दे दिया हमने, और यहां पे ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन और क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे शो प्रॉम्प्ट दे दिया हमने और यहां पर इसको डॉटेड कॉमा को क्लोज करके और फिर ये जो एंगुलर ब्रैकेट है उसको भी क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। और यहां पे लिख दीजिएगा क्लिक हियर, क्लिक हियर एच ई आर ई, ये दे दिया क्लिक हियर, और यहां पे बटन टैग को क्लोज कर देंगे यू डबल टी ओ एन, ये तो एचटीएमएल में भी पढ़ाया है मैंने बटन टैग, ठीक है। अब यहां पर क्या देंगे, यहां पर एक पैराग्राफ आईडी दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर दे दिया पैराग्राफ आईडी इज इक्वल टू क्या दे देंगे यूजर आउटपुट, यूजर आउटपुट, तो ये हो गया यूजर आउटपुट, ठीक है। और इसको डॉटेड कॉमा को क्लोज करके और देन ये एंगुलर ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे, पैराग्राफ टैग को तो क्लोज करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अब किसको क्लोज करना है, तो यहां पर अब बॉडी टैग को क्लोज कर देना है और लास्ट में एचटीएमएल को भी क्लोज कर देना है। तो ये सब क्लोज हो जाने के बाद बारी है इसे सेव करने की, तो यहाँ फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करके आप इसको चला लेते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और देखिए बिल्कुल वही वेलकम टू आवर चैनल लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कह रहा है प्लीज एंटर योर नेम, तो मैंने अपना नेम एंटर किया है, और नेम एंटर करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिस इज दिस पेज सेज हेलो सूरज वेलकम टू आवर चैनल लिखा हुआ आ रहा है, और ये चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी जैसे ही ओके करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेस सॉल्यूशन इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।